अनु जी खा रही है यहाँ पोहा हाथों से, दो दो हाथों से, हाँ चम्मच से खा रही है कि हाथ से खा रही है, हाथ से खा रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ ये लोग खा रहे हैं नाश्ता, तो आगे रेसिपी शेयर की हुई है मैंने पोहा बनाने की, तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो इधर मैंने पोहा धुल के रख ली हूँ, और यहाँ मैंने बहुत सारी प्याज कट कर ली है, यहाँ लाल मिर्च ले ली हूँ, इधर आलू, इधर टमाटर, हरी मिर्च नहीं है मेरे पास में। तो चलिए हम बना लेते हैं आज पोहा। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो गया, तो हमने जीरा डाल दिए हैं, यहाँ डाल देंगे हम प्याज। और मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ली हुई है क्योंकि पोहे में प्याज बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी हूँ, आलू डाल दी हूँ, और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, और उसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ देखो अच्छी तरह से भून चुके हैं प्याज भी और आलू भी। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और सिर्फ हमें हल्दी पाउडर ही डालना है, हो सके तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और मैंने यहाँ नमक और उसके बाद टमाटर डाल दी हूँ। और सच कहो ना, पोहा इतना अच्छा बना था, मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी, उसके बाद भी पोहा बहुत अच्छा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए कितना अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा पोहा बना है एकदम। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। और इधर साइड में मेरा पानी गर्म हो गया, तो यहाँ मैं बना रही हूँ इसमें चावल, तो ये साथ साथ में खाना भी बन रहा है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये नाश्ता निकल चुका था हम तीनों के लिए, और आप देख सकते हैं कि कितना देखने में कितना यम्मी एंड टेस्टी लग रहा है। तो खाने में तो वाकई बहुत टेस्टी था। अगर आप प्याज का ज़्यादा यूज़ करोगे तो पोहा बहुत अच्छा बनेगा। खनु जी खा रही है यहाँ पोहा हाथों से, दो दो हाथों से, हाँ चम्मच से खा रही है कि हाथ से खा रही है, हाथ से खा रही है, चम्मच काहे के लिए है, हैं कीड़ू केवड़ा कीड़ू लाल, कितना खुश है कीड़ू लाल। कैसा बना है? एक नंबर, एक नंबर दो ना इधर, ऐसे मस्त बना है, मस्त। राइट हैंड से दो, राइट हैंड से, गुड। चलो खाओ, फटाफट खाओ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्जी। तो यहाँ मैंने एक आलू ले ली हूँ, यहाँ बड़ी ले ली हूँ मूंग दाल और उड़द दाल की, ये बड़ी है घर पे ही बनाई हुई हूँ। और ये मसाले ले लिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर, नमक, और ये है प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ मैंने एक टमाटर कट कर लिया है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं अब। मैंने इसे बड़ी आलू डालने के बाद दो तीन मिनट तक इसे भी ऐसे ही पकने दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी जितना हमें चाहिए, सीरा। फ्रेंड्स, मुझे जितना पानी चाहिए तो मैंने